प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर के मसले पर विपक्षी नेताओं को घेरा। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि यह फैसला देश को बर्बाद कर देगा। 3 महीने हो गए, क्या देश बर्बाद हो गया? एक और कांग्रेस नेता ने कहा कि 370 हटाकर हमने कश्मीर को खो दिया। क्या हमने कश्मीर खो दिया? पीएम मोदी ने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर आप कश्मीर जाना चाहते हैं तो मुझे बताइए, मैं इंतजाम करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीड़ के परली में रैली की और कांग्रेस व एनसीपी को कई मसलों पर घेरा। पीएम मोदी ने कहा कि युवा कांग्रेस एनसीपी का साथ छोड़ रहे हैं और बुजुर्ग वहां निराश हैं। इसके अलावा पीएम मोदी ने कश्मीर के मसले पर विपक्षी नेताओं को चुनौती देते हुए कहा कि अगर आपको कश्मीर जाना है तो मुझे बताइए, मैं इंतजाम करूंगा। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि यह फैसला देश को बर्बाद कर देगा। 3 महीने हो गए हैं, क्या देश बर्बाद हो गया? एक और कांग्रेस नेता ने कहा कि 370 हटाकर हमने कश्मीर को खो दिया है। मैं याद दिलाता हूं, ये कैसा कैसा बोले थे, मैं नाम नहीं बताऊंगा, नाम आपको याद आ जाएगा, पूरे महाराष्ट्र को याद आ जाएगा, पूरे हिंदुस्तान को याद आ जाएगा। एक ने कहा था, ये फैसला यानी 370 हटाने का फैसला ये किसी की हत्या करने जैसा है। वाह क्या सीन है। एक नेता ने कहा, ये भारत की राजनीति का काला दिन है। एक नेता ने कहा, केंद्र ने जो फैसला लिया वो लोकतंत्र के खिलाफ है। एक बार बड़े नेता ने कहा कि भारत में लोकतंत्र ही खत्म हो गया। एक और नेता ने कहा कि इस फैसले से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है। पीएम मोदी ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस के एक नेता ने कहा, कश्मीर से 370 हटाने का फैसला किसी की हत्या करने जैसा है। मोदी ने कहा, एक नेता ने कहा कि ये भारत की राजनीति का काला दिन है। एक नेता ने कहा कि ये लोकतंत्र के खिलाफ है और एक बड़े नेता ने कहा कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि देश की एकता अखंडता में कांग्रेस को हिंदू मुसलमान नजर आता है और इतिहास में जब भी 370 की चर्चा होगी तो देश हित में किए निर्णय को विरोध करने वालों का, उनके बयानों का जिक्र जरूर होगा। पीएम मोदी ने कहा, विरोधी दल के नेताओं को चिंता हो रही है कि भाजपा के कार्यकर्ता इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं। मैं आज भीड़ से उनको बता दूं कि भाजपा के पास लगन से कार्य करने वाले कार्यकर्ता हैं, तभी वो दिलों को जीतते हैं और दलों को जिताते हैं। कांग्रेस के अधिकतर नेता आज आपस में एक दूसरे से निपटने में लगे हैं। इनकी युति में जो युवा नेता थे वो भी साथ छोड़ रहे हैं और वरिष्ठ नेता आज हताश निराश हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।